हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? निशा भाटी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ अभी शाम का खाना। मैंने ब्लॉग को अभी शाम से शुरू किया है, तो देखिए मैंने क्या क्या बनाया है खाने में। ये देखिए, मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बना ली है और मैंने बनाई आज छोले की सब्ज़ी। देखिए छोले की सब्ज़ी और थोड़ी एक मेरे को पतली सब्जी चाहिए शाम को, थोड़ी तरी वाली सब्जी। तो एक छोले की सब्ज़ी बना ली है और एक बना ली है मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी। और इधर मैं बनाऊंगी अभी पूड़ियाँ। मैदा मैंने लगा दी है और मैदे में मैंने अजवाइन डाला है। इधर ही देखिए तेल चढ़ा दिया है, तो देखिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और ये देखिए मैंने बना लिए हैं चावल, छोले के साथ में चावल बनाती हूँ मैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए मटर वगैरह डाल के, और मैं कुकर में ही बनाती हूँ चावल, बहुत ही टेस्टी लगते हैं कुकर में। आटे को इस तरीके से लगाना पड़ता है, इसके को थोड़ा पतला रखना पड़ता है और इसको दूध से गूंदा जाता है आटे को, पानी से ना गूंदे, थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके दूध को और तब गूंदा जाता है। ये देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से, जैसे आटे को लगाते हैं ऐसे नहीं लगाना चाहिए, इसको ऐसे ही नॉर्मली रखते हैं। ये देखिए अब इसकी बनाएंगे हम गुलाब जामुन, तो देखिए किस तरीके से बनाऊंगी मैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो गोली है वो इस तरीके से बनाना है, इसका सर्कल शेप में। तो मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है हैंड पे, और ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा लेंगे इसमें से आटा, और इसको एक बार थोड़ा टाइट करना है इस तरीके से, और फिर इसको गोल कर देना है। ये देखिए इस तरीके से गोल कर देंगे, और ऐसे ही मैं सारी गोलियां बना के इसे कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए इस तरीके से, और गैस को बिल्कुल धीमा करके रखना है। और मैंने सारी डाल दी है एक साथ, हम इतने गुलाब जामुन इसमें सेक सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी जो चाशनी है वो पक चुकी है, ये देखिए, और जो गुलाब जामुन है वो भी बन रहे हैं। इनको अच्छा सा, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, आप चाहें तो इतना भी कलर, लेकिन हमको धीमी धीमी आग पे इनको सिकने देंगे।
ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए अच्छे से पकने देंगे इनको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस को कर दिया है बंद और चाशनी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो ये गुलाब जामुन मैंने बना रखी हैं ये वाली, इनको हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, डालने के बाद में इनको हम धीमे धीमे ऐसे कर देंगे, ये देखिए। और इनको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि जो ये चाशनी है ये तुरंत, अगर हम गर्म में डाल देते हैं तो ये जो गुलाब जामुन है ये चाशनी तुरंत अंदर चली जाती है, पी लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, और बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल ये फूलने लगा है अभी। और 4 पैकेट में बहुत सारे गुलाब जामुन बन जाते हैं, और मैंने छोटी छोटी शेप बनाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है इनको बनाना। अगर फ्रेंड्स ये देखिए, अगर आपको कमेंट में पूछना है दोबारा से, फिर से मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी शेप आई है इसकी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है कि गुलाब जामुन किस तरीके से बनाते हैं। ये देखिए बहुत सारे बना लिए हैं मैंने, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये, और मैंने बना भी लिए हैं। क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी, तो जो मैं चीज़ बताऊँगी आपको उसको मैं ज़रूर बनाऊँगी, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं वीडियो का एंड, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो करते हैं वीडियो का एंड।